ये सब क्लीन करो और ऑलमोस्ट पूरा अंधेरा हो रखा है, उनको स्क्रैचेस नहीं आते। मैं करूँगी एक चीज़ अभी हो रहे हैं, एक पार्ट मुझे पढ़ना है। तो गाइज अभी बज रहे हैं 5:10 एंड जस्ट लुक एट माई डेस्क। मैंने कल रात को कुछ भी समेटा नहीं था एंड दैट्स व्हाई सारी चीज़ें बस बिखरी पड़ी है डेस्क के ऊपर। सो अब मैं ये सब क्लीन करूँगी एंड देन आई विल डू मेडिटेशन एंड देन उसके बाद मिलते हैं। जा ही रही थी एंड देन आई सॉ दिस व्यू, जस्ट लुक एट दिस गाइज। बाहर ऑलमोस्ट पूरा अंधेरा हो रखा है एंड इट इज़ फीलिंग सो गुड टू व्यू दिस। अगर सच बताओ ना तो कैमरा वो कैप्चर नहीं कर सकता है जो हम हमारे आंखों से देखते हैं। द व्यू वॉज रियली वेरी गुड एंड वहाँ पे 10 मिनट स्टैंड करने के बाद फिर मैं टास्क नोटिंग कर रही थी, ट्राइपॉड से वीडियो बना रही थी एंड ये ऐसे ही आया था। सो मैं जब फ़ोन फिट करने के लिए गई तो ये ऐसे करना था एंड देन फ़ोन अंदर डालना था, लेकिन वो जा ही नहीं रहा था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही थी जैसे तैसे, तो मैंने अपने फ़ोन का कवर निकाला एंड देन उसके बाद उसको यहाँ पर फिट किया एंड वीडियो बनाया। मैंने लिटरली सेल्फी कैमरा से वीडियो बनाया है एंड देन आई रियलाइज्ड कि अगर मैं इसको ऐसे घुमाती एंड अगर ये ऊपर करती तो मेरे फ़ोन को स्क्रैचेस नहीं आते और बिना कवर निकाले भी मैं वीडियो बना सकती थी एंड वो भी नॉर्मल कैमरा से। खैर मैंने टास्क नोटिन कर ली है। तो सबसे पहले मुझे करने हैं फिजिक्स के 2 लेक्चर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1 लेक्चर, जूलॉजी का 1 लेक्चर, बॉटनी का 1 लेक्चर एंड देन बॉटनी के नोट्स रीडिंग। सो मुझे टोटल करना है 5 लेक्चर एंड देन बॉटनी का नोट्स रीडिंग। आई डोंट नो ये मेरे से पूरा होगा या नहीं, बट या मैं पूरा ट्राई करूँगी कि उसको कंप्लीट करूँ, और अगर नहीं हुआ तो बॉटनी का लेक्चर जो है वो मैं ऑप्शनल में रखूँगी एंड मतलब मैं ट्राई तो पूरा ही करूँगी कि कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। सो यहाँ पे मैं कर रही थी MR सर का लेक्चर, मतलब कि फिजिक्स का लेक्चर एंड मैं जब भी सुबह मतलब ऐसे वीडियो बनाती हूँ ना तो पीछे से स्पैरोज की आवाज़ आने लग जाती है, बिकॉज मेरे रूम के बाहर एक क्लाइंबर है एंड वहीं पे चिड़िया आ जाती है तो मैं उन्हें भगा भी नहीं सकती एंड दैट्स व्हाई उनकी आवाज़ आती है। वैसे वो स्वीट तो होती है, मतलब उससे कोई दिक्कत तो नहीं होती है, बट जब मैं शूट कर रही होती ना तो बीच बीच में उनकी आवाज़ आती रहती है। वैसे मेनी ऑफ यू गाइज वेयर आस्किंग मी अबाउट माई बैकलॉग कि मेरा कितने लेक्चर का बैकलॉग है। सो आई हैव 33 लेक्चर्स ऑफ बैकलॉग। बज रहे 7 एंड अराउंड 1 hour and 30 minutes मैंने पढ़ लिया है। सो अब मैं ब्रेक लूँगी एंड ब्रेक में मैं करूँगी एक्सरसाइज के बाद देन ब्रेकफास्ट एंड देन मिलते हैं फिर पढ़ाई करने के लिए। अभी हो रहे हैं 8:20 एंड मैंने ऑलमोस्ट 1.5 hour का ब्रेक ले लिया है। सो बहुत बड़ा ब्रेक हो गया। सो चलो अभी, वैसे कल फर्स्ट डे के मोटिवेशन के साथ मैंने एक्सरसाइज तो कर ली थी एक्सरसाइज करते वक्त, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं फील हुआ, बट देन आफ्टर 5 to 6 hours आई स्वेयर पूरी बॉडी पेन कर रही थी एंड वो भी ठीक है, लेकिन आज सुबह उठने के बाद तो मैं बता भी नहीं सकती हूँ, लाइक बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। बट देन फिर मैंने आज भी एक्सरसाइज की है एंड एक्सरसाइज के बाद ही मैं वॉइस नोट दे रही हूँ वीडियो को, वो वीडियो कल आ जाएगा। वैसे किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम 3 दिन का कंटेंट एक ही वीडियो में बताओ, मतलब 3 दिन जो किया है उसका कंटेंट एक ही वीडियो में बता दूँ। सो मैं एक पोल जनरेट करूँगी अपनी कम्युनिटी पोस्ट में, तो मुझे ज़रूर बताना कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ या फिर 3 दिन का कंटेंट एक ही व्लॉग में दिखाऊँ। सो MR सर के 2 लेक्चर करने के बाद मैंने सोचा कि मैं नोट्स राइटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी बॉटनी की नोट्स राइटिंग बची हुई थी, थोड़े से ही पार्ट बचा था लेकिन उसमें डायग्राम्स इतने थे एंड डायग्राम्स से भी ज़्यादा बड़ी बात है उसमें कलर पेन बहुत ज़्यादा यूज़ करने थे, तो मुझे एक पेन खोलो फिर दूसरा खोलो, और पहले ही मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मैं अगर एक ही पेन से ड्राइंग बनाती हूँ तो वो तो मतलब समझ ही नहीं आता है कुछ उसमें, तो मुझे अलग अलग कलर के पेन से ही ड्राइंग बनानी पड़ती है एंड दैट्स व्हाई मुझे बहुत ज़्यादा देर लग गई थी नोट्स कंप्लीट करते करते। वैसे मैं रोज़ अपने टू डू लिस्ट शेयर कर रही हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे एंड फ्यू ऑफ यू गाइज आर ऑल्सो शेयरिंग देयर टू डू लिस्ट। सो अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लेना, लिंक इज इन माई डिस्क्रिप्शन। नोट्स तो मैंने लिख लिए हैं। सो अब मैं लूँगी ब्रेक, अभी अराउंड 10:30 हो रहा है तो अभी मैं ब्रेक लूँगी एंड देन ब्रेक के बाद हियर आई वॉज डूइंग लंच। तो अभी मैं लंच करके आई हूँ एंड मैंने सोचा था कि लेक्चर करूँगी, बट देन आई रियलाइज कि अभी नोट्स राइटिंग करी थी तो नोट्स राइटिंग भी अभी कर लेती हूँ, मतलब फ्लो फ्लो में हो जाएगा। सो इतने नोट्स पढ़ने हैं मुझे आज जो लेक्चर किया वहाँ तक की। सो यहाँ पे मैं कर रही थी बॉटनी के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की नोट्स रीडिंग।
यस्टरडे वाज अ महाराष्ट्रियन फेस्टिवल विच इज़ नोन एज वट पूर्णिमा। मुझे नहीं पता ये किसी अदर स्टेट में भी सेलिब्रेट होता है या फिर नहीं, क्योंकि जब मैंने गूगल पे सर्च किया देन आई न्यू कि ये कर्नाटक में और आई गेस गुजरात में भी सेलिब्रेट होता है, सो आई डोंट नो, बट या यस्टरडे इट वाज अ फेस्टिवल। आफ्टर द ब्रेक एंड अभी मैं लेक्चर करूँगी। सो यहाँ पे मैं कर रही थी समाप्ति मैम का लेक्चर। वैसे मेरा बैकलॉग फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बॉटनी में है, समाप्ति मैम का कोई भी बैकलॉग नहीं है, मतलब जूलॉजी का कोई भी बैकलॉग नहीं है एंड ऑर्गेनिक का भी नहीं है, तो मैं ऑर्गेनिक एंड जूलॉजी दोनों साथ ही साथ कर रही हूँ एंड जो बैकलॉग के लेक्चर है वो तो कर ही रही हूँ मैं। अब बैकलॉग की बात हो ही गई है तो मेरे किस सब्जेक्ट में कितना बैकलॉग है वो भी बता देती हूँ। मेरे फिजिक्स में 16 लेक्चर का बैकलॉग है, देन फिजिकल केमिस्ट्री में 11 एंड बॉटनी में 6 लेक्चर का बैकलॉग है। सो इतने लेक्चर का बैकलॉग मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा नेक्स्ट 30 डेज में। जूलॉजी के लेक्चर के बाद मुझे करना था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर, बट मैंने क्योंकि बुक नहीं बनाई थी सो पहले तो मैं शॉप पे गई एंड बॉट अ बुक एंड अब चलो बैकलॉग हो रखा है मेरा और मैं ड्राइंग बना के बुक्स पे नोट कर रही हूँ। बाय द वे यहाँ पे मैं कर रही थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर एंड यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर करते वक्त सब समझ आ जाता है, लेक्चर भी सबसे मतलब जल्दी जल्दी हो जाता है, जैसे बायोलॉजी का लेक्चर होता है ना कि जल्दी जल्दी हो जाता है वैसे ये भी लेक्चर मेरा जल्दी जल्दी हो जाता है, सारे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल एकदम आसमान छू रही होती है एंड जब होमवर्क कर रहे होते हैं ना तब याद आ जाता है कि भाई ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये तो नहीं बन रही हमसे। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ ये जो टीचर्स होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं भाई इन्होंने कैसे पढ़ाई की होगी यार, मतलब खुद के दुख जो होते हैं ना वो छोटे लगने लग जाते हैं इनके सामने। तो मेरे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाफ ही लेक्चर कम्प्लीट हुआ था, दैट वॉज माई स्टडी टाइम एंड एंडेड माई डे विद आइसक्रीम एंड 2 ब्रोकन लेग्स एंड या दैट इज गुड फॉर टुडे गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।